मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे। कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग आज करने वाले हैं मिट्टी की पीएच जांच। पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। संभावित हाइड्रोजन की मात्रा को पता लगाने के लिए हम पीएच का जांच करते हैं। जो आदर्श पीएच माना गया है खेती के लिए वह 5.5 से 6.2 के बीच है। तो 5.5 से 6.2 के मतलब है ये जो पीएच स्केल दिख रहे हैं, ये पीएच स्केल ये 0 से 14 इसमें दिखाया गया है। यहाँ देखिए 1 इस कलर का होगा तो 1, इस कलर का 3, 5 इस कलर का 7, इस कलर का 9, इस कलर का 11, इस कलर का 13, इस कलर का 2, इस कलर का 4, इस कलर का 6, इस कलर का 8, इस कलर का 10, इस कलर का 12 और इस कलर का 14। इसका मतलब है कि 0 से 14 के बीच में ही पीएच का वैल्यू होता है। हम लोगों को पता है विलयन 3 प्रकार का होता है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। 7 से नीचे अगर पीएच का वैल्यू आता है इसका मतलब मिट्टी अम्लीय है। 7 अगर आता है तो विलयन जो है उदासीन है। 7 से अधिक जाता है तो कैसा है, क्षारीय है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग नमूना ले लिए हैं, 4 जगह पे मिट्टी लिया हुआ है 4 खेत से, और इसमें हम लोग अब जो है डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। बोल करके सब में डिस्टिल वाटर मिलाइए। डालिए भर दीजिए सब में जल्दी। मिट्टी का डबल डाले सर, जितना मिट्टी अपने। अब जो है इसको पहले घोल होने दीजिए थोड़ा सा। जब मिट्टी घुल जाए तब इसमें हम लोग इस लिटमस पेपर को डालेंगे। ये क्या है, लिटमस पेपर है। क्या है, लिटमस पेपर है। ये रखे रहिए इसको, जैसे ही घुल जाए मिट्टी थोड़ा सिक से तब हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे इसमें। चलिए इस लिटमस पेपर डालिए, खड़ा करिएगा, गाड़िएगा। हाथ हटा के रखिए, इधर अब किनारे लगा दीजिए।
निकाल करके देखिए कलर बदल रहा है कागज का, लेकिन उस पेपर का आ रहा है कलर। इसमें मैच करके देखिए किस कलर में आ रहा है। इस कलर में सिक्स में आ रहा है ना, और ये इस कलर में आ रहा है, 1357 में आ रहा है, और ये भी सिक्स में है, और ये भी सिक्स में है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्स और सेवन के हिसाब में है, तो ये बहुत अच्छी बेटी है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं, तो इसमें खेती जो होगी सो बहुत अच्छे ढंग से होगी, ठीक है ना। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।